हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में हम 80 टॉप मोस्ट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके हिस्ट्री से, इतिहास से रिलेटेड है, और इतिहास के सभी एक एक चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सभी को एक एक करके क्लियर करते चलेंगे ताकि जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों से अछूते ना रहें। तो इस वीडियो में 80 क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। चार ऑप्शन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर भी आपके सामने है, तो सिर्फ इसमें आपको पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए, ताम्राश्म काल में जो महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर की तरफ उनका सर होता था और दक्षिण की तरफ उनके पैर होते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख भी लीजिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आंसर सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में केवल 1, 2, 1, 3, 4 सही है, मतलब कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट स्थल औजारों का उपयोग आम था। ऑप्शन तीसरा है, पांचवी शती ईस्वी में कोर के जा का सिद्धांत ज्ञात था, और चौथा है, सातवीं शती ईस्वी के चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो फलक संस्कृति कहा गया है मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को। मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। याद रखिएगा, फलक संस्कृति मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में जो वन्य धान का प्रमाण है वो चोपानी मांडो से मिला है। याद रखिएगा, चोपानी मांडो से मिला है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम कालीन कृतियों का जो कलाकृतियों का प्रमाण है वो है उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, शराय नाहर राय और मेहदहा संबंधित है। ऑप्शन सी, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। ऑप्शन डी, लौह काल से। लौह काल से दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। शो ऑप्शन बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ये सारा जो चैप्टर है या ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग अगले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो अगला है, देखिए, जो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो ऑप्शन डी, लौह काल से। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक काल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी, संगनकल्लू से राख का टीला संबंधित है। अगला प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। शो ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। ऑप्शन डी, शिकार खेलना। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। अगला प्रश्न, सिंघावल एक पुरा स्थल है। ऑप्शन ए,
निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का सिंघावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो ऑप्शन डी, संस्कृति के काल मापन का। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? ऑप्शन सी, पाषाण काल की। आप 2 से 3 बार भी इस वीडियो को देख सकते हैं तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीव को उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों के जीव को उपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल को चाल कोलिथिक युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, भीमबेटका में। देखिए एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में। अगला है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है कहाँ पर? ऑप्शन बी, कश्मीर में। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे तो कश्मीर में। अगला प्रश्न, नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो एक और दो, बुर्ज होम से, और ऑप्शन जो नंबर दो है ऑप्शन डी का, एक और दो, बुर्ज होम और गुफ क्राल से। अगला प्रश्न, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? ऑप्शन बी, बुर्ज होम में। मानव शवाधानों में कुत्ते बुर्ज होम में दफनाए गए थे। अगला प्रश्न है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, बुर्ज होम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन ए, बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मेहरगढ़ में मिले हैं। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन शवाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी? तो कुत्ता, ऑप्शन बी, कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए इसका 2 बार ये क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस प्री में, यूपीपीसीएस मेंस में, और ऑप्शन डी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन डी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लोहरा देव, ऑप्शन ए, लोहरा देव। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण का जहां से मिले हैं वह स्थान है? ऑप्शन सी, आदमगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऑप्शन डी, विंध्य क्षेत्रों में।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन बी बेलन घाटी। अगला प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो ऑप्शन सी बेलन घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन बी हाथ नोरा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन सी जौ। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी महदहा। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनोरा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी महदहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी महदहा से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं? ऑप्शन बी दमदमा से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन बी कालपी। दधेरी एक पर्वती हड़प्पी पुरास्थल है? ऑप्शन बी पंजाब का। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन डी लेखिया। गैरिक मृद्भांड पात्र ओ शिपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। नवदातोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी कर्नाटक। किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति ओशीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो ऑप्शन डी अंतर्जी खेड़ा। अब यहाँ आपको सुमेलित करना है, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं छोटा करूंगी। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में सुमेलित करना है आपको। तो इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का बुर्जहोम सबसे सघन है, तो इसका जो आंसर होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ए का चौथा, ए का चौथा, जो इस तंत्र नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का घग्गर हाकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों, कुणाल आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन सी। दूसरे नंबर का देखिए, जो बी नंबर का, सी नंबर का है, जो कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन काल से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आहार और आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। और डी का जो सही होगा वो होगा दूसरा, इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्र युगीन बुर्ज होम सबसे सघन वितरण है। अगला प्रश्न देखिए, इमाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को फिर से सुमेलित करना है। पुरापाषाण काल ये होगा, देखिए जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी पुरापाषाण काल का नदी तट अधिवास, मध्य पाषाण काल का शैलाश्रय अधिवास, नव पाषाण काल का गर्त अधिवास और ताम्र पाषाण काल का कच्चे एवं पक्के मकान। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को, इसका भी हमारा ऑप्शन बी सही है। तो हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी और पैठन
गोदावरी नदी। अगला प्रश्न फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कायथा, कर्नाटक, चिरान, बिहार, पांडु राजा दीवी बंगाल और दायमाबाद महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए कायथा कर्नाटक में सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए, तो इसका भी उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़ या चित्रकूट। तो ऑप्शन डी होगा इसका, इसका है भीमबेट, जो उदयगिरी है वो है शिलाओं को उत्खनित कर कड़ी मूर्तियां स्तंभ आदि। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिला चित्र है, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। बांधवगढ़ ये है राष्ट्रीय उद्यान है, और चित्रकूट रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न है, आजकल कथन और कारण वाले प्रश्न भी आते हैं। देखिए ये आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण है स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखिए, सूची नेम और सेकंड सूची में नेम है, तो बताना है आपको बीर भानपुर बनास संस्कृति उज्जैन ताम निधि कायथा गैरिक माध्यम परम परा आहार लघु पाषाण उपकरण। तो ऑप्शन इसका बी सही है, इसको मिलाते हैं हम लोग। ए का चौथा बीर भानपुर लघु पाषाण काल ये सही है, बी का तीसरा उज्जैन गैरिक मध्वान परंपरा, सी का दूसरा कायथा ताम्रनिधि, आहार का पहला बनास संस्कृति। अगला प्रश्न देखिए, कोपेन हेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया था? ऑप्शन ए थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन बी अंतरजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ऑप्शन बी 1863 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरातत्व युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला है, श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी आरवी फुट को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो एक करिंगहम। अगला प्रश्न, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ऑप्शन सी एच डी सांकलिया ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी क्रोमेर गगन, जो जो क्रोमेर गगन है उन्होंने उन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत में? अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी फॉसिल्स। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी नागदा। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी आहार और गिलुंड। अगला प्रश्न है, गुफ कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? शो ऑप्शन ए स्वात घाटी। निम्नलिखित किस ताम्राश्म कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए आहार। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो 80 प्रश्न थे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे, इनको हमने देखा कि ये किस तरह से
आपके सभी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर पढ़िएगा। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और अगला जो हम लोग चैप्टर है, चैप्टर 2 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर एंड लाइक जरूर कर दें।